तुम्हें लगता है विटामिन डी आता है इससे? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। बहुत जल्दी उठ चुके थे आज हम, 6:10 को ही उठ गए थे। जो लोग नहीं उठते उससे पहले उठ गया था मैं। और अरे, आई शुड बी थैंकफुल टू मी, आई शुड बी प्रेज ऑफ माई सेल्फ, और कहता है जो मान लो वो सब। खुद के बारे में तो कम बोलना पड़ता है, कभी अगर खुद के बारे में खुद कोई नहीं कम समझ गया तो दुनिया तो और समझ गई। बस सोचने लगा, देख रहे हैं ऊपर खड़े अभी डर लगते हैं। तो सुबह सुबह उठ के 6:30 बजे उठ गए थे, 6:15 पे उठ गए थे। उसके बाद एक मीटिंग थी 7 बजे, वो अटेंड करने के बाद अभी टाइम 8:30 के आसपास हो रहा है। और ऐसे हम ऊपर आए, थोड़ी हवा आ रही है, आप देख सकते हैं हवा भी, मतलब ये देखो पेड़ वेड़ कैसे हिल रहा है। और कल का मतलब परसों का व्लॉग देखा था, कैसा था? इंजीनियर्स आर टैलेंटेड, आपको पता चल गया होगा किस वजह से इंजीनियर टैलेंट होते हैं, किस वजह से वो मतलब जो सोचते हैं वो, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी होती है वो कैसे लेवल पे होती है। और जो कल का व्लॉग था ना, आपने सुना होगा कि वो क्रिप्टो करेंसी एंड दैट ऑल, आई थिंक आपको समझ में नहीं आया होगा वो क्रिप्टो करेंसी एंड ऑल, लेकिन चलो कोई नहीं, ये तो उनके लिए था जो यूथ अभी जो सोच रहे होंगे क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करें या फिर भाई 25 दिन में पैसा डबल हो जाएगा वैसे करेंगे। लेकिन अगर आप इस मेंटालिटी से आ रहे हो कि 25 दिन में हमारे जो पैसे वो डबल हो जाएंगे, तो मैं बोल रहा हूँ छोड़ दो क्रिप्टो, क्रिप्टो छोड़ दो, बगल में नहीं है क्रिप्टो। क्रिप्टो भी एक स्टॉक्स है यार, स्टॉक्स के लिए आप अगर समझ लो 100% या फिर 130% आ रहा तो कितने दिन रुकना पड़ता है, वैसे ही सभी जगह आपको रुकना पड़ता है डेफिनेटली। अगर आप भी सोचो ना, डेफिनेटली अगर आप एक स्टॉक्स पे इन्वेस्ट कर रहे हो, टाटा या फिर किसी भी चीज़ पे, आप रुकते हो ना उसके लिए, डेफिनेटली रुकते हो, तो इसके लिए भी आपको वही रुकना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज डाला 25 दिन में पैसे डबल हो गए, फिर निकाल दिए, फिर उस 25 डबल में और भी पैसे डबल, तो भाई इनके कैसे करने का मन करता है? मेरा बेड पे से उठने का मन नहीं करता 8:30 बजे। बहुत जल्दी उठ चुके थे आज हम, 6:10 को उठ गए थे, जो लोग नहीं उठते उससे पहले उठ गया था मैं। कुछ भी लेकिन आई लव दैट प्लेस। मैं होता ना वहाँ से ऐसे डायरेक्ट कूदता, मैं उसे पापा से पहले वो साफ़ करवा लेता, फिर वहाँ से ऐसे डायरेक्ट कूदता उसमें। अबे लेकिन स्विमिंग इज़ लव यार, और ये इतनी करारी धूप में तो वो पानी बचाएगा हमें। चलो मज़े है, और आप भी खुश रहो, हमेशा हंसते रहो, बस और क्या चाहिए यार, जितना हंसोगे। आप खुद को भी देख लो, कोविड केसेस बहुत ज़्यादा फैल रहे जैसे आपको पता ही होगा, अगर आप भी खुद को देखते रहोगे तभी आप भी सेफ रहोगे। मैं ऊपर इसलिए आया था कि थोड़ी लाइटिंग अच्छी रहती है ऊपर, और हवा भी अच्छी आती है, और देखते हैं थोड़ा विटामिन डी, तुम्हें लगता है विटामिन डी आता है इससे? मतलब पता नहीं ऐसे आ जाता हूँ ऊपर, मुझे तो कभी कभार नहीं लगता विटामिन डी के कुछ लगता भी होगा, नहीं लगता होगा, पसीने और आ जाते हैं खामा खा। लेकिन घर वाले बोलते कि नहीं यार ऊपर जाना चाहिए, ऊपर जाओगे तुम्हें विटामिन डी आएगा, विटामिन डी आएगा तुम्हें बोन स्ट्रॉन्ग होंगे, बोन स्ट्रॉन्ग होंगे तुम्हें रिकेट्स की प्रॉब्लम नहीं होगी, रिकेट्स की प्रॉब्लम, रिकेट्स ही होता है ना विटामिन डी, हाँ रिकेट्स की प्रॉब्लम नहीं होगी, और रिकेट्स की प्रॉब्लम नहीं होगी तो तुम्हें बहुत तुम एक्टिव रहोगे करके। मैं बोलता हूँ जैसे ही जब मैं ऊपर आता ना, मुझे पसीने पसीने लग जाते पता नहीं, और जब नीचे जाता हूँ तो उसके बाद थक के मैं सो जाता हूँ। इग्नोर दिस पिंपल, ओके नेक्स्ट करें। तो अगर आपको भी कुछ पूछना हो ना मुझे कि किसी भी रिगार्डिंग, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं भेज दूंगा इंस्टाग्राम की लिंक, वरना रोहित पवार भी करके होगा इंस्टाग्राम की लिंक, तो इंस्टाग्राम पे भी आप जाके मुझे पूछ सकते हो, वरना कमेंट बॉक्स में पूछ लो, आई एम ओपन टू इट। सक्सेसफुली 2 घंटे सोने के बाद हम अभी उठे हैं, क्योंकि अरे सोना पड़ता है, मतलब माइंड थोड़ा रिफ्रेश होता है, वरना तो बिना सोए अगर काम करते रहते हो ना तो आप देखिए थोड़ा रेस्ट ले ले, फिर ये 2 घंटे से ज़्यादा आप 3 घंटा वेस्ट ही कर देते हो उसके लिए। मतलब मैं भी आपको बताना चाहता हूँ कि अगर रेस्ट कभी भी चाहे ना बॉडी आपकी, तो रेस्ट दे दो। अभी अभी मेरे रूम से गई है, अभी अभी पढ़ रही थी, चार्जिंग खत्म हो गया आपके, चलो फिर थोड़ी मतलब चाय वाय वरना कुछ और बनाने की कोशिश करते हैं। आज का मौसम थोड़ा सही रहा था, आज ज़्यादा धूप भी नहीं थी और ज़्यादा ठंड भी नहीं लग रही थी, सही था मौसम आज का, ऐसा मौसम होना चाहिए कभी कभार। देख सकते हो मतलब पूरे बादल हो रहे हैं, टाइम भी अप्रॉक्सीमेट 6:15 हो रहा है टाइम, तो आप पता चल सकते कि अगर ऐसा मौसम होता है थोड़ा मन भी अच्छा लगता है और मन भी थोड़ा कूल रहता है, और 24/7 काम चल रहा है स्ट्रॉन्ग। वो भैंस हो गया खड़ा है, सभी लोगों के लिए एक सरप्राइज आने वाला है,
बहुत ही अल्टीमेट लेवल पे होने वाला है वो सब कुछ, लेकिन वो अभी नहीं आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसके लिए। टाइम पता नहीं बहुत दिन भी लग सकता है क्योंकि थोड़ा लंबा जाएगा, और अगर वीडियो अल्टीमेट लगी ना तो आपको फुल सपोर्ट करनी पड़ेगी वीडियो को। ये विंडो साइड है और यही है वो जो बाहर का जो व्यू होता है, इसलिए सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा हवा आती है यहाँ पे, इसलिए मन भी थोड़ा अच्छा लगता है और फ्रेश सा लगता है जब ठंडी ठंडी हवा रूम पे आती रहती है। अगर ऐसा नहीं है कि भाई एक बंद कमरे में घुसे हुए हम, इससे बेटर तो ये रहेगा ना डेफिनेटली। आज एक भैया का बर्थडे था और घर में केक आते हुए कैलरीज आप पूरी निकाल दें, जितना अभी तक पूरी डाइट एक्सरसाइज करी है वो पूरी निकल जाएगी अब एक ही बारे में। मीटिंग 12:16 तक चल रही है और अभी तक 31 मेंबर्स कनेक्टेड है। अमेजिंग लेट नाइट सेशन, तो अमेजिंग था आज का। टाइम 12:29 हो रहा है और अभी अभी हमारा लेट नाइट सेशन खत्म हुआ था। आज का दिन मजे आ गए यार, बहुत 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 अल्टीमेट गया आज का सेशन। आज का पूरा दिन ही अल्टीमेट गया है मैं बता रहा हूँ। आज का सेशन लगा, फिर आज बहुत लर्निंग में काम आया, और आज का जो दिन था वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब आपका दिन आपको प्रोडक्टिव लगता है तब आपका दिन पूरा अच्छा जाता है। और अब मैं थोड़ी एडिट वेडिट करके अभी स्टार्ट करूँगा, टाइम 12:30 हो रहा है तो 1:30-2 तो बज जाएंगे आज के लिए, देखते फिर। यस 100% तो यस, एक बार एडिट करने के बाद फिर अपलोड कर देंगे, आज अपलोड डाल देंगे, कल सुबह सॉन्ग एडिट करके फिर ऐड कर देंगे, हो जाएगा वही ब्लॉग डाल देंगे। तो बताओ आपका दिन भी कैसे जा रहा है आजकल, और प्रोडक्ट जा रहा है बस ये बता देना, हमें डॉक्स नहीं रुकता ना सब चीज़। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं अभी। टाइम भी आप देख सकते हो 12:31 हो रहा है, सो अभी वीडियो एडिट करते हैं। टाइम लिटरली 3 AM हो रहा है अभी, वीडियो आई है। मैं बता रहा हूँ इतनी अमेजिंग, मुझे बहुत अच्छी लगी है वो विकास के बर्थडे की वीडियो। अगर आपने देख ली होगी वो वीडियो, मतलब कि मैंने कल ही डाल दी थी, तो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। मैंने बहुत टाइम लिया, मतलब समझ लो कि मैंने 2 घंटे मैंने उसके लिए एडिट करी है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कैसी है वीडियो। टैक इस ब्लॉग को एंड करते हैं, अभी तक आप हमारे साथ बने हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बाकी की वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।